बिहार में तीसरे चरण के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इसको लेकर क्या तैयारी है ये जानने के लिए दरभंगा के डीएम इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर त्यागराजन जी। सर, आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त तैयारी क्या कुछ चल रही है। देखिए, इस वक्त PCCP जो पेट्रोल इनकम कलेक्टिंग पार्टी है उनके डिस्पैच सुबह से हो रही है। उनको ब्रीफिंग करके उनको डिस्पैच किया जा रहा है। सुरक्षित सभी लोगों के साथ EVM भेजी जा रही है। सभी विधानसभाओं का पोलिंग पार्टीज का कल डिस्पैच हो चुकी है। पुलिस पर्सनल का भी डिस्पैच आज विभिन्न जगहों से हो रहा है। सभी पुलिस पर्सनल और PCCP पार्टीज आज पहुंच जाएंगे बूथ पर। सेक्टर ऑफिसर्स को भी रिजर्व EVM आज दिए जा रहे हैं। विधि व्यवस्था के संबंधित विभिन्न जगहों पर फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। किसी प्रकार के प्रलोभन लास्ट मिनट में नहीं हो, इसको लेकर के SST FST को सक्रिय कराया गया है। जो भी शिकायत आते हैं उसको तुरंत निवारण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित की गई है। वहाँ पर शिकायत प्राप्त हो रहे हैं, उसके आधार पर तुरंत टीम्स जा रहे हैं, चेक करके वेरीफाई करके उचित कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये बताइए, ये अपने आप में एक अलग तरह का इलेक्शन है क्योंकि कोरोना काल भी है, कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करना है, सुरक्षा को भी देखना है, सब चीज़ें सही से हो जाएं, उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है। देखिए, कोविड के परिप्रेक्ष्य में पहले से ही ट्रेनिंग के स्टेज से ही सभी लोगों को बताया गया कि कोविड के संदर्भ में कैसे मतदान का स्थापित करना है, मतदान केंद्र का स्थापना जिस प्रकार का होना है। मतदान केंद्रों में आशा कार्यकर्ता एंट्रेंस में ही टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए थर्मल स्कैनर के साथ उपस्थित रहेंगे। जिनका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहे हैं उन्हें पुनः पुनः टेम्परेचर मेशर करके इवनिंग में उनको वोटिंग कराया जाएगा। इसी प्रकार COVID-19 का जो पेशेंट्स हैं उन्हें सूचीबंद करके उनको इच्छा पूछ करके हम लोग जो इच्छा व्यक्त करते हैं वोटिंग के लिए उन्हें इवनिंग में अलग एम्बुलेंस में ला करके PPE किट के माध्यम से उन्हें वोटिंग कराया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मार्कर सभी बूथों में लगाए गए हैं। सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क का प्रयोग किए जा रहे हैं। मतदान कर्मी भी सभी कोविड संबंधित किट, फेस शील्ड, सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क का उपयोग करते हुए सुरक्षित माहौल में मतदान चुनाव संपन्न। करा रहे हैं। सर, तीसरा चरण है, आखिरी चरण है, 10 को रिजल्ट्स हैं। ऐसे में ये भी होता है कि जो आखिरी दौर में असामाजिक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जिसको लेकर सुरक्षा और ज़्यादा टाइट करनी पड़ती है। तो क्या पहले के मुकाबले जो दो चरण के चुनाव हुए हैं उसके मुकाबले सुरक्षा और ज़्यादा कड़ी की गई है या कुछ और अलग करने की कोशिश की गई है? देखिए, इस चरण में हमारे पास जो CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा संख्या में है। सभी बूथों में इनके प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ साथ संवेदनशील और क्रिटिकल बूथ्स में हमारे जो वीडियोग्राफर्स और CCTV और वेबकास्टिंग का भी व्यवस्था की गई है। और पर्याप्त मात्रा में जो CPF हैं उनको हम लोग 3 लेयर का सिक्योरिटी बनाए हैं, जिसमें सबसे ऊपर जोनल मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स रहेंगे, उनके साथ पर्याप्त मात्रा में फोर्स रहेगा। उसके बाद सेक्टर ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट रहेंगे। उसके बाद बूथ में, सभी बूथों में CAPF का उपस्थिति रहेगा। किसी भी परिस्थिति में पोलिंग को डिस्टर्ब करने वाले असामाजिक तत्वों को सख्ती से निपटाने के लिए हम लोग ने आदेश दिया है। उस पर कार्रवाई चल रही है और इसको हम लोग गंभीरता से मॉनिटरिंग करेंगे। आखिर में सर, मतदाता जो हैं, जो बूथ तक पहुंचेंगे, उनसे क्या अपील की जा रही है, उनको किस तरह से कहा जा रहा है कि सुरक्षा को देखते हुए, कोरोना और बाकी चीज़ों को देखते हुए वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे? मतदाताओं से मेरा अपील यही है कि कोविड को लेकर के किसी प्रकार की भय या आशंका मन में ना रहें। सुरक्षित माहौल में मतदान संपन्न होगा। सेकेंड फेज में जो 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का यहाँ पर मतदान संपन्न हुआ, उसमें 12% का मतदाताओं का जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें वृद्धि हुआ। 44% था हमारे 2015 विधानसभा के इलेक्शन में, इस बार 56% तक यह पहुंचा। थर्ड फेज में 60% तक पहुंचेगा, यह मेरा पूरा उम्मीद है। भारी संख्या में आए, सभी लोग अपना मतदान के जो राइट है उसका प्रयोग करें और इस डेमोक्रेटिक फेस्टिवल में सभी लोग भाग लें, यही मेरा अनुरोध है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दरभंगा के डीएम जो कह रहे थे कि किस तरह से तीसरे चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से कर ली गई है, और साथ ही जो मतदाता हैं उनसे भी उन्होंने अपील की। कैमरा पर्सन सुभाषिश दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष, दरभंगा। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।